दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केडीए ऑफिसर्स क्लब के सामने, जहाँ पे डिमोलिशन का काम स्टार्ट हुआ था कल। काफ़ी हद तक जो है ना काम हो चुका है, काफ़ी हद तक जो है ना ये डिमोलिशन हो चुकी है, और अभी भी जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मशीनें जो है ना लगी हुई हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या जो है ना यहाँ पर काम हो चुका है। पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम और सबको अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। और जो अस्सलाम वालेकुम कहेगा उन सबको वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। यह है केडीए ऑफिसर क्लब जो अभी मैंने आपको दिखाया। हो सकता है मैं अंदर से भी आपको दिखाऊं ना, तो अंदर से गेट बंद है लेकिन मैं अंदर से भी हो सकता है आपको दिखाऊं। तो ये यहां पे जो है ना ये काम जो है ना काफ़ी मलबा जो है ना जमा हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ये मशीनें एक ये लगी है, एक ये लगी है, कितनी बड़ी स्क्रीन है ये LG की, ये भी लगी होगी किसी जगह पे ना स्क्रीन सामने। सारा देख सकते हैं कितना मलबा और काफी सारे लगे सामान लगे। अच्छा मैं पूरा घूम के दिखाता हूँ ताकि जो ना आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। एक ही जगह पे खड़े होकर वीडियो बनाना का मकसद ये नहीं है कि अच्छा कुछ तस्वीरें मिली हैं मेरे को ज़मीन पे पड़ी हुई, मैं ज़रा भैया वो आपको दिखा दूँ। ये ज़मीन पे पड़ी हुई मिली है मुझे तस्वीरें, अल्लाह का नाम लिखा हुआ इसके ऊपर, अल्लाह का नाम लिखा हुआ, वो आयत वगैरह लिखी हुई थी। तो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा घूम के आ रहे हैं। अभी भी बहुत शदीद गर्मी है, ये सारा पिलर सामने ऊपर देखें आप, कितना खतरनाक किस्म का पिलर तोड़ा गया है, पूरी बिल्डिंग तोड़ी गई है। अंदर क्या था क्या नहीं कुछ नहीं कह सकते, अंदर जाना पड़ेगा तो पता चलेगा। और अंदर जाने के लिए जो है ना थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन दूर दूर से जो है ना दूर दूर से दिखा सकता हूँ मैं। थोड़ा सा अंदर की तरफ कोशिश करता हूँ, मशीनें लगी हुई हैं। बहुत खतरनाक है, ये डिमोलिश हो चुका है, काफ़ी हो चुका हो रहा है अभी। और पीछे भी मशीन जो लगी हुई है ना वो भी तोड़ रही है, ज़रा उधर भी चलते हैं देखते हैं वो क्या तोड़ रही है। बड़ी सख्त गर्मी है आज भी, और अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह बारिश बरसा दे, मौसम ठंडा कर दे। और ये भी दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, गर्मी की शिद्दत से बचाए, गर्मी की शिद्दत से बचाए, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हर बीमारी से बचाए, सेहत वाली ज़िंदगी दे। ये मेरी दुआ है आप सब तमाम लोगों के लिए।
ये तस्वीरें देखें दोस्तों, ये अंदर की तस्वीरें हैं जो कि अभी सब कुछ टूट चुका है, लेकिन उसकी तस्वीरें हथे चढ़ी हैं मुझे मेरे। मेरे ख्याल कोई नाथ खान का प्रोग्राम होया होएगा। ओ हाँ। एक मिनट स्विमिंग पूल दिया नाम दे बच्चों के नाम दे। ये बच्चों के नहाने की तस्वीर है जो तो बने। अच्छा जब ये बना था उसकी तस्वीरें भी हैं। ये एंट्रेंस है उसकी, जब ये बना था उस वक्त की तस्वीर है। ये एल्बम पड़ा हुआ मिला है मेरे को। पत्थर से थले दे रही है मेरे किसी काम से नहीं है। अच्छा ये दोस्तों ये जो तोड़ रहे थे उसका ये ग्राउंड है छोटा सा। नहीं वो मैंने सर डाय कर दिया हो गया। महमूदाबाद वाला तो खत्म फिनिश हुआ है। अच्छा हाँ ये जो आपको नजर आ रहे हैं साहब, तो इनका नाम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको तो मैंने हर जगह पे देखा, महमूदाबाद में भी देखा है, गुज्जर नाले पे भी आप एक्टिव रहते हैं और यहाँ पे भी एक्टिव हैं। क्या आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है? चले तो जाते हैं लेकिन इतना काम आप कर रहे हैं। एक आप और एक ये रेहान, ये कौन है क्या नाम इनका? अजहर भाई। ये दोनों मुझे बहुत हर जगह पे एक्टिव नज़र आते हैं। क्या तनख्वाह डबल मिल रही है क्या आपको? जहाँ ऑर्डर होता है। अच्छा तो ये देखा, ये भी एक टीम के मेंबर थे जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ये इतने एक्टिव हैं ये कि हर जगह पे नज़र आएंगे। ये मेरे को हर जगह पे नज़र आते हैं, कोई नज़र आए ना आए। एक ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, ये नज़र आते हैं अजहर भाई, और वो लखानी साहब हैं, वो नज़र आते हैं। अब और नज़र आए ना आए, ये तीन चार बंदे जो है ना हर जगह पे एक्टिव नज़र आते हैं। बंद करके काफी मोटा सरिया लगा हुआ है दोस्तों, बहुत ही मोटा सरिया लगा हुआ है। मेरे ख्याल से एक इंच का तो सरिया लगा होगा। ये सब इसीलिए तोड़ रहे हैं कि गैर कानूनी था। अच्छा जो जो चीज़ें आपको तोड़ती नजर आ रही है ना, वो समझ लो गैर कानूनी थी, तब इसीलिए जो है ना तोड़ा जा रहा है उनको। कई लोग पूछ रहे हैं कि ये क्यों तोड़ा जा रहा है, उन सबको ये जवाब है कि सारी चीज़ें जो है ना गैर कानूनी थी। यानी कि जगह KMC की जगह थी, किसी की KDA की अपनी जगह थी, किसी की KMC की जगह थी, तो उधर जो है ना दूसरे इदारों ने या दूसरे लोगों ने जो है ना जगह पे जो है ना चीज़ें बना ली थी, बिल्डिंगें बना ली थी, ऑफिस बना लिए थे, तो उस वजह से वो जो है ना उसको तोड़ा जा रहा है। अभी मैं थोड़ा सा साए में खड़ा हूँ, अगर मैं धूप में जाऊँगा तो और ज़्यादा मुझे गर्मी भी लगेगी। लेकिन एक मिनट,
अब लग रही है मुझको गर्मी शदीद। अच्छा थोड़ा सा अगर मैं आगे की तरफ चल के दिखाऊं आपको, बहुत ही उल्टा सीधा रास्ता है, थोड़ा साए में इसीलिए मैं बैठ रहा हूँ क्योंकि गर्मी शदीद है। अच्छा दोस्तों फिर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी और शदीद गर्मी है और अल्लाह ताला से दुआ है। अच्छा एक और बात भी मैंने करनी थी, चलो खैर वो नहीं करता, ऐसे ही कुछ लोग जो ना जो है कमेंट्स करने वाले वो थोड़े तप ना जाएं। बस अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको हिदायत दे बस, और कोई कुछ नहीं कह सकता मैं। ये आप लोगों की मोहब्बत की वजह से धूप में, गर्मी में, शदीद धूप में और बारिशों में घूम रहा होता हूँ मैं। तो अभी इस शदीद गर्मी के अंदर इस वीडियो को बना रहा हूँ और इसके बाद एक और शदीद गर्मी के अंदर मैंने जाना है, कौन सी जगह पे, अलादीन पार्क पे। तो देखते हैं कि अलादीन पार्क पे क्या हो रहा है, यानी कि मैं उधर की दो वीडियो बनाऊंगा, एक अलादीन पार्क के इस शॉपिंग मॉल की और एक बनाऊंगा इसकी पवेलियन एंड क्लब की। दोनों जगह पे देखता हूं कि दोनों जगह की क्या पोजीशन है, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में दोनों को कैप्चर करूंगा ना तो मुझे पैदल काफ़ी चलना पड़ेगा, जो कि धूप इतनी शदीद है कि मैं पैदल चल नहीं पाऊंगा। तो दोनों जगह की अलग अलग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह ताला ना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ, अल्लाह आप तमाम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर खैरियत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।